अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबका? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर SVA चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आज मैं कवर करूँगा एक सुरीद है जिसे सोबत भी कहा जाता है, सुरीद भी कहा जाता है, और इसके एक और भी दो तीन नाम होते हैं। ठीक है, वो ये एक होटल वाले बनाते हैं। ठीक है, आज वो खाने का मूड था, वो आज इंशाल्लाह कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। तो मेरे बैक साइड पे होटल है, ये अल हैदर होटल, फ्रंट कैमरा से आपको दिखाता हूँ जी। तो ये होटल है अल हैदर होटल, इस पे और भी काफ़ी सारे आइटम्स मिलते हैं, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कट्टा कढ़ाई, बारबेक्यू, और इसके अलावा ये इन्होंने स्पेशल सोबत स्टार्ट की है। ठीक है जी, ये होटल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है खैरियत से। आपका नाम क्या है? असगर गौरी, अख्तर गौरी। ठीक है जी, नाम आपने हैदर से लिखा हुआ है, ये मतलब हैदर कौन, आपके कुछ जानने वाले हैं? छोटे भाइयों के नाम पे बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो क्या क्या आपके पास आइटम्स हैं? हमारे पास चिकन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, मटन है, फिश है। अच्छा जी, सोबत है, चिकन कोरमा है, सब्जी है, दाल है, चने हैं। ठीक है, चले आज जो है ना वो सोबत ट्राई करवाएं। हाँ जी, सोबत ट्राई करवाएं, उसका देखते हैं कैसा टेस्ट है आपका। सोबत है, सोबत एक बंदे की। हाँ जी यार, ये चा करेंगे, बंद करेंगे, सोबत बना पहले, वो उधर बनेगी सोबत। अच्छा जी, सोबत इस साइड बनेगी, पहले कढ़ाई बन रही है अभी एक ऑर्डर पे। ठीक है, तो अच्छा जी, ये कढ़ाई बन रही है इनकी, इसके बाद फिर इधर ही सोबत बनेगी। क्या हाल है भजन, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आप यहाँ पे बर्कर हैं या कुक हैं? कुक हैं। अच्छा, कारीगर हैं ये मेन आपके? ठीक है, आप भी कारीगर हैं या आप मतलब कैश पे होते हैं? आप इनके बॉस हैं? ठीक है, चले माशाल्लाह। कितना देर टाइम हो गया इस शॉप को, इस होटल को? अच्छा अच्छा, इस होटल में ये है कि आपने यहाँ पे बैठने वाला सेटअप है आपका? ठीक है, मतलब ये बेंच, ये हैं फट्टे वगैरह लगे हुए हैं, इधर कुर्सियों वाला सेटअप नहीं है आपका, देसी माहौल। सही है, चलें जी, ये कढ़ाई बन रही है। अच्छा, इसकी लोकेशन बता देंगे होटल की, क्या लोकेशन है? ईदगाह चौक लिया। ईदगाह चौक लिया, ठीक है जी, ये चौक है ईदगाह, मेन चौक है। ठीक है जी, ईदगाह चौक है, ये उस साइड से रोड आ रही है, मेन चौक है, और ये इनका जना होटल है। ठीक है जी, चलें जी, ये हमारी सोबत बनने लगी है, दो रोटियों की सोबत है। अच्छा, इसे इसके शोर में पकाएंगे? अच्छा, तो इसमें ये सालन जो इस्तेमाल होता है गोश्त का, वो आम जन कोरमा होता है? इसे सालन लहदा बनता है? अच्छा ठीक है, शोरबे में ये जन पकाते हैं। ये अभी दो रोटियों के बन रही है। अच्छा जी, पकना शुरू हो गई है, कितनी देर तक पकती रहेगी ये? दो मिनट पकेगी। अच्छा, फुल इसकी जो है ना वो फ्लेम है, हाई फ्लेम, उसमें 2 मिनट तक पकाते रहेंगे। अच्छा, इसे पकाने से इसमें टेस्ट जो है ना वो मज़ेदार आ जाता है रोटी के अंदर। ये जी सोबत रेडी हो गई है, प्लेट में डाल रहे हैं।
अच्छा जी, ये ऑयल है? ऑयल है, ठीक है। और ये ऊपर अभी से चिकन का पीस आएगा, ठीक है। खीरा, टमाटर, प्याज रेडी हो गई है जी, रेडी हो गई है। अच्छा, ऊपर दही भी डाल दिया थोड़ा सा, ठीक। चलें जी, इसे अब टेस्ट करते हैं। इस साइड पे बैठ जाते हैं। लें जी, सुबह हमारी रेडी हो गई है, बड़ी बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है अंदर से। टेस्ट करते हैं। फुल हैवी गरम, इतना गरम कि मेरा मुंह जो है ना वो ऐसे मज़ेदार है। नॉर्मल स्पाइसेस हैं, बहुत हैवी भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है। गरम मसाला, थोड़ा सा हैवी है, मतलब अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो ये आपके लिए है ना वो मज़ेदार चीज़। बाकी ये है कि ये ब्रॉयलर चिकन में बनी हुई है, लेकिन खाने का जो है ना वो मज़ा है। दो चिकन पीसेस डाले अंदर, नॉर्मली वैसे एक देते हैं, लेकिन चौके मैंने रिकॉर्ड करना था इसलिए मुझे दो दे दिए। ओवरऑल मज़ेदार टेस्ट है। जो कोरमे का टेस्ट है ना इसका, गोर के सालन का, वो प्रॉपर रोटी के अंदर फील हो रहा है। भैया दही थोड़ा और देना, दही इसमें थोड़ा सा कम था और मंगवाया दही। अभी तक हैवी किस्म का गरम है। दही साथ में आ गया अलग कटोरी में। दही ऊपर खा, डाले खाने का अपने ही मजा। कुछ छोड़ा है
अच्छा, फैमिली के लिहाज से जगह जाना कोई इतनी मज़ेदार नहीं है। ठीक है, तो वैसे अगर दोस्त वगैरह मिल के आना चाहें तो आ सकते हैं। बाकी ये जो सफाई भी गुजारा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जाना वो अपर क्लास होटल नहीं है, बस ये जैसे कहते हैं ना ढाबा स्टाइल होटल, उस टाइप का है ये होटल। वैस नॉर्मल है इनकी 120 में इतनी शरीर, तो वैस ठीक है। अगर फैमिली ने खाना हो तो आप ब्लॉग के पास लेके जा सकते हैं, वो इनके पास ऑप्शन है। बाकी ये है कि पार्सल के लिए जो डिस्पोजेबल पैकिंग है ना, वो इनका ऑप्शन नहीं है। अगर आप ज़्यादा हाइजीनिक हैं तो आप घर से लेके आ सकते हैं कोई बॉक्स वगैरह जिसमें आप पार्सल करवाते हैं। अभी तक मजा आ रहा है मुझे खाने का। मजेदार बनी हुई विशेष इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।